हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने बिजली कनेक्शन के बिल की हिस्ट्री और साथ में ही पेमेंट की हिस्ट्री को कैसे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपने अभी तक कितना बिल जमा किया है और किस डेट को किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे और अपना पासवर्ड फिल करेंगे, फिर इस कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आप नीचे रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बाद आप यहां से लॉगिन कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है, इसके बाद इसको आप कैंसिल कर देंगे, जिसके बाद आप अपने अकाउंट के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और आपने अभी तक कितनी बिजली यूज की है तो आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ पर बिल की हिस्ट्री। और आप अपने बिल को खुद से ही जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पेमेंट हिस्ट्री है। अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप यहाँ से अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कनेक्शन में कोई सुधार या कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने बिजली के लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने कनेक्शन के बारे में जानकारी देख सकते हैं। तो आप अपनी बिल की हिस्ट्री देखने के लिए बिल हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मंथ वाइज बिल डिटेल्स चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग मंथ की बिल की हिस्ट्री शो हो रही है, जिसमें आपको यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि आपने कितने यूनिट के लिए कितना रुपया पे किया है। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में अपने बिल को चेक करना है तो आप जिस भी मंथ का बिल चेक करना चाहते हैं उसके सामने आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने आपका पूरा बिल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी सभी डिटेल्स लिखी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे बिल की सभी डिटेल लिखी हुई है कि आपने कितने यूनिट के लिए कितना रुपया पे किया है। तो इस तरीके से आप अपने बिल की हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर आपको आपके पेमेंट की हिस्ट्री चेक करनी है तो आप पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो रिसीट मिलती है उसकी सभी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी मंथ की डिटेल बताई गई है। तो आपको जिस भी मंथ की रिसीट निकालनी है या डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर उसके आगे क्लिक कर हियर पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने रिसीट आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ज़रूरत है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके रिसीट में, जैसा कि आप जब अपने बिल को जमा करते हैं तो आपको जनसेवा केंद्र से या खुद से आपको ऐसी रिसीट मिलती होगी, तो इसी तरीके से आप अपने पुराने किसी भी महीने की रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।